आप किसी को पैसा कमा के दो, वो प्रमोट करेगा। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए उसको जो भी रिजल्ट मिला उसका वो प्रमोट करे, प्रमोशन करे, हमको यही चाहिए ना। बट बीमार व्यक्ति नहीं करता। आप किसी को पैसा कमा के दो, वो प्रमोशन करेगा, वो प्रमोट करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं प्रमोट करूंगा तो 20 आया ना, तो 40 लेने के लिए मुझे प्रमोशन करना पड़ेगा, तो वो करेगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं। सबसे बड़ी चीज कि लर्निंग बहुत जरूरी है। हमारा जो लर्निंग एक्सपायर है, देखो सबको सब कुछ आता है, पर 2022 के बाद का नेटवर्किंग करना हो ना तो स्किल बहुत जरूरी है। 2022 के पहले लोग है ना पुरानी सिस्टम है, आज 2022 के बाद लोग मोबाइल पर ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और उसके लिए यूट्यूब है, गूगल है, यूट्यूब है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। कोई बताएगा ई बायो टॉप क्यों करना चाहिए? आप कर रहे हो, कितने लोगों को 2 महीना हुआ है और 6 महीना किसको हुआ है? 6 महीना किसको हुआ ई बायो टॉप में? 6 मंथ, बाकी 2 साल हो गया। मुझे बताओ ई बायोड्रम क्यों करना चाहिए आपके हिसाब से? सॉरी, यूनिक प्रोडक्ट है सर इसका। ओके, यूनिक प्रोडक्ट है, चलो 100% यूजेबल है सर ये। ओके, लेके ऐसा नहीं रख देंगे, ये यूज वो यूएसपी हुआ, वो यूएस यूनिक सेलिंग पॉइंट हुआ। उसके अलावा ई बायोड्रम क्यों करना चाहिए? अपने पैसिव इनकम के लिए, दूसरा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए, और लोगों का भला करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। इनका नाम लिख लो। यस मैडम बोलिए। सर, हेल्थ प्रमोट करने के लिए। हेल्थ प्रमोट करने के लिए। और कोई बताएगा कोई नया कुछ? देखो सिंपल है, मेरी फिलोसफी एक ही है, ई बायोड्रम क्यों करना चाहिए? 20 साल की जर्नी 2 साल में पूरी करें तो ई बायोड्रम करना चाहिए। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं ई बायोड्रम ही है। पर ई बायोड्रम क्यों करना चाहिए? 20 साल की जर्नी 2 साल में पूरी करनी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 20 साल कमाने वाले हो ना, तो मेहनत आप 2 साल में कर लो, तो आगे पैसे के लिए आपको काम करना नहीं पड़ेगा। यानी 20 साल की जर्नी अगर 2 साल में पूरी करनी है तो आपको ई बायोड्रम करना पड़ेगा। तो पहला गुरु मंत्र है कि बिजनेस मेरा है। दूसरा है, कभी बीमारों पर काम करो, बट 100% बीमारों पर काम मत करो, 20% बीमारों पर काम करो, 80% अपॉर्चुनिटी ऊपर काम करो और प्रिवेंशन के ऊपर काम करो। देखो आप लोग क्या गलती करते हो, मैंने देखा है कि समझो कोई बंदा आपको मिला, आप किसी के पास है, वो बंदा कमा रहा है 20,000 या 25,000 वो कमा रहा है, XYZ जॉब या बिजनेस वट एवर, और हाँ आप क्या करते हो, कितने की बात करते हो? सिंपल, लाखों करोड़ की बात करते हो, तो आपको लगता है उसका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा उस चीज को? वो बेचारा कमा रहा है 20,000 और आप बात करो तो महीने का 5 लाख कमा लेगा, 10 लाख कमा लेगा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, लोग हमारे जैसे ही होते हैं, तो आपको लोगों की तरह ही सोचना पड़ेगा, आपको लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को, उसकी मेंटेलिटी को समझ के ही प्लान और प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा 25 कमा रहा है तो उसको सिंपल ये बोलो, सिंपल आप 25,000 कमा रहे हो ना, आप चाहते हो कि 1 महीने में 25,000 और कमा सकते हो एक्स्ट्रा, तो उसको एक्सेप्ट करेगा उसका माइंड। बट हम डायरेक्ट 25 लाख की बात कर लेते हैं तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो इंसान जितना कमा रहा है ना उसका डबल बोलो, जो जॉब कर रहा है उसको सैलरी हिसाब से बोलो, जो बिजनेस कर रहा है उसको फिगर बताओ। दूसरी बात, बिजनेस प्लान सबको बताना नहीं चाहिए, ये हम गलती करते हैं। हर जो भी इंसान मिला बिजनेस प्लान, जो भी इंसान बिजनेस, ऐसा नहीं होता। आप मेंटेलिटी को समझो, जिसका एज ज्यादा है यानी अबोव 45 है, उसको प्रोडक्ट प्रमोट करो, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक रिकमेंड चालू हो जाएगा। समझो मार्केट में लोगों को क्या पता है, मार्केट में ज्यादातर लोग बिजनेस करना नहीं चाहते, ये मानते हो ना? yes. ज्यादातर लोग बिजनेस करना नहीं चाहते, उसका कारण क्या पता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है
कि लोगों को ऐसा कि बिजनेस करने से रिस्क बढ़ता है, सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट बड़ा लगता है, या पास्ट के अंदर किसी ने बिजनेस किया हो और उसको लॉस हो गया होगा तो बेचारा कर्ज में चला गया। ये लोगों की मेंटालिटी के लोग बिजनेस नहीं करते, उनको पता है बिजनेस में पैसा होता है। बिजनेस हमारे ई बायोड्रम में क्या पता है, बिजनेस करना नहीं पड़ेगा, बिजनेस हो जाएगा। उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, मेरी टीम में एक मैडम है, वो बिजनेस में बिजनेस के लिए कभी इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन मैंने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि मैडम प्रोडक्ट आप यूज करो और कंपनी का एक एफिलिएट प्रोग्राम है या रेफरल प्रोग्राम है। कौन सा? एफिलिएट या रेफरल प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से 5 या 6 लोगों को भी रेफर करते हो ये अच्छी चीज, तो आपने जो भी कंपनी को अमाउंट पे किया है वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। यानी मुझे इतना पता है कि सब लोगों को ऐसा बोलोगे ना, सब लोग चाहेंगे हाँ भी मेरा प्रोडक्ट फ्री हो जाए। ठीक है, उससे दो कारण है, प्रोडक्ट फ्री होने के लिए वो दूसरे दिन आपको रेफरेंस देंगे, और जिस दिन रेफरेंस देंगे ना, हमेशा एक चीज याद रखना, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमारा बिजनेस या कोई भी सेलिंग प्रोफेशन ट्रस्ट के ऊपर काम करता है, जहां पे ट्रस्ट होता है ना वहां पे रिलेशन बनता है, और जहां पे रिलेशन बनता है वहां पे सेल क्लोज होती है। मानते हो कि नहीं? आपने अभी तक जो भी सेल उठाई हो वो देखना, उस बंदे को आपके ऊपर विश्वास होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मानते हो कि नहीं? तभी आपकी सेल क्लोज हुई। बहुत रेयर केस में आपको कोई ऐसा बंदा मिला होगा जिसने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया आपको और आपके पास से प्रोडक्ट लिया, बहुत रेयर केस में होगा, मेजोरिटी केस में नहीं होगा। और जो वो मैडम को मैंने, उस मैडम ने मेरे को 10 कॉन्टेक्ट दिए, लेकिन 10 लोगों ने जब मैडम को पूछा कि भाई ये सर आए हैं जो बता रहे सही है, तो उस मैडम ने 100% जवाब दिया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्यों बोला? अपना फ्री करवाना, उसको पता है मैं बोलूंगी ना अच्छा तो प्रोडक्ट ले और ले लेगा, काम तुम्हारा हो गया। अभी ये 10 कॉन्टेक्ट में से 6 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, 4 ने नहीं लिया, प्रोडक्ट तो उसका फ्री हो गया। एक्सीडेंटली हुआ क्या, वो जो 6 लोग में से भी रेफरेंस क्रिएट हुआ, क्रिएट होते 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 वो जो मैडम है ना जो आई थी प्रोडक्ट फ्री करवाने के लिए, उसका पे आउट 3,75,000 है अभी तक का। आप समझ रहे हो, बिजनेस करना नहीं पड़ेगा, बिजनेस हो जाएगा, ये सिस्टम समझो। आप किसी को भी मिलते हो, आपको है ना बिजनेस पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से क्रिएट करो। आप देखो पोटेंशियल कौन है, आप किसी के पास भी मिलने चाहते हो देखो कि इसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है। सबको बिजनेस प्लान मत बताओ, समझ के चलो मैं गुलाब जी को मिला, उसके बारे में जाना क्या करता है क्या नहीं करता, कितना जॉब है, कितना सैलरी है, घर में क्या है, कार क्या, कार है कि नहीं, EMI है, घर है, पता चला कि इसकी होम लोन चल रही है, हर महीने 20,000 EMI भर रहा है और कितने साल तक भरने वाला है, 20 साल तक। तो बोलता मैंने पूछा गुलाब जी कितना कमा ले, तो बोला 50,000 महीने का कमा ले और हर महीने 20,000 मेरा EMI में जाता है। तो मुझे क्या मिला, उसका पेन पॉइंट मिल गया, कहां पे मुझे पिच करना है, प्रोडक्ट पर पिच नहीं करना, इसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, EMI निकालना है। मैंने गुलाब जी को बोला गुलाब जी सिंपल मुझे बताओ ये 20,000 EMI कब तक भरने वाले हो, तो 20 साल तक, सिंपल ये बोला क्या सब लोग? Yes. सिंपल मैंने इनको ये बोला गुलाब जी एक रास्ता है मेरे पास, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आने वाले 2 साल में आप 20 साल जो मेहनत करने वाले हो ना EMI पे करने के लिए, आने वाले 2 साल में आपकी ये लोन पूरी हो सकती है, मेरे पास रास्ता है, क्या करेंगे? यस तो करेंगे, पहले फोन करें भाई तू कहाँ है, मुझे मिलना है, मुझे देखना है। क्यों? क्योंकि उसका 20 साल का प्रॉब्लम मैं 2 साल में सॉल्व कर रहा हूँ, उसका बेस्ट। आपकी देखो ये सिस्टम से काम करोगे ना, आप लोगों को रीजन दे देते हो क्यों करना है, समझ रहे हो? अभी इनको मैंने दे दिया रीजन कि मैं 2 साल में ये मैं पूरा करना, ये पूरा ग्राफ है, ये प्रोजेक्ट है, इसी हिसाब से काम करना है, 2 साल में काम करेगा। एक सिंपल चीज समझो, गुलाब जी 20,000 EMI पे करने के लिए हर महीने या रोज क्या कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं ना, एक्स काम कर रहे हो, वाई काम कर रहे हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कोई बिजनेस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, समझो। तो यहाँ पे भी क्या करना है? काम ही करना है ना, काम कोई भी हो काम ही करना है। क्यों करना है? कि मेरा EMI निकल जाए। यानी कहने का मतलब क्या पता है, आप लोगों को है ना उनका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर रीजन लाके लेके आओ, कभी छोड़ेंगे नहीं।
इनको 10 जने ना बोल दिया समझो तो ये छोड़ेंगे, उनको पता है 10 जने ना बोल अगर मैं नहीं करूंगा क्विट कर दूंगा तो नुकसान किसका है, मेरा। वो कभी अप्लाई को नहीं पूछेंगे सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसको पता है मुझे करना ही है कुछ भी करके 2 साल में गेम पूरी करनी है। पर वैसे आप अपने ग्रुप के अंदर अपने नेटवर्क में ऐसे लोगों को लाओ। कोई बोलता है आप किसी को मिले कि कोई यंगस्टर को मिले यार मेरे को 2-व्हीलर लेना है, बाइक लेनी है, एक छोटा सपना सबका होता है बाइक लेनी, उसके लिए लोग EMI भरते हैं 4-4, 5-5 साल तक। उसको बोला सर 6 महीने बाइक आ सकती फ्री में, बोल लेना है आ सकते हैं, ये वाइडर में आ सकते हैं 6 महीने में, यस ये नहीं आ सकता, आ सकता जी 6 महीने में तो आ सकते हैं, उसको लेके आओ 6 महीने में तेरी बाइक आ सकती, मेरे पास रास्ता है, आधा घंटा देना पड़ेगा समझने के लिए, पेपर पर बैठ जाओ। वो ध्यान से सुनेगा, होता क्या पता है आप बोल रहे हो वो आजू बाजू देख रहा है, आप बोल रहे हो आजू बाजू देख रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है मेजोरिटी केस में हम लोगों को सरप्राइज देते हैं, जैसे कि बुरा साहब को मैंने कॉल किया, मुझे पता है बुरा साहब डॉक्टर है करेंगे नहीं करेंगे, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, तो मैंने फोन कर दिया और मेरे उनके रिलेशन बहुत अच्छे है, मुझे बुलाएंगे, फिजिकली भी प्रेजेंट है बट मेंटली नहीं। ऐसा होता है आपके साथ? Yes. आप यहाँ पर रीजन लेके लाओगे, यानी अभी मार्केट में जब भी निकलो तो लोगों का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर वो कैसे आएगा पता है, रिलेशन से आएगा। हम क्या करते हैं, जो भी मिला मान को सर मेरे को किसी रेस्टोरेंट में मिले या कोई मेरा स्कूल का दोस्त मिला रास्ते में तो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, मेरे पास जबरदस्त प्लान है, प्लान थोड़ा वही बताना चालू कर दे समझ रहे हो, चाय की पटड़ी पर मिले क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, जबरदस्त देख मैं रोज का देख मैं महीने का 1 लाख रुपए का तेरे कमाना है, तो बेटी का प्लान देखिए बायोमैग्नेटर सोना है, रोज पैसा आता है 12 घंटे में पैसा आता है, ये इसने करोड़ों कमाया उसने मर्सिडीज लिया, समझ रहे हो, ऐसा नहीं करो, ये आउटडेटेड है, ये सब पुरानी टेक्निक्स है, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना पूरे भारत की जनसंख्या में से 1% कम्युनिटी नेटवर्कर की है और उस 1% कम्युनिटी में 95% अनप्रोफेशनल नेटवर्कर है, खाली 5% लोग प्रोफेशनल है। आप समझो दोनों में बहुत वर्ड है, नेटवर्कर तो है डायरेक्ट सेलर तो है बट अनप्रोफेशनल, हमको बनना है प्रोफेशनल। पैसा कौन कमाता है? प्रोफेशनल बंदा ही पैसा कमाता है, समझ रहे हो। एक दो डॉक्टर है, एक ही कॉलेज से पास आउट हुए, एक ही डिग्री ली, एक ही टीचर ने उसको पढ़ाया, एक ही पुस्तक पढ़ा, जब मार्केट में निकलते हैं ना तो दोनों का क्रेडिट चलता है, यानी अलग अलग चलता है, किसी का नहीं चलता किसी का चलता है, क्यों? जिसका चलता है प्रोफेशनल बन गया है, जिसका नहीं चलता वो अनप्रोफेशनल है। तो आज सेकेंड बाद आपको प्रोफेशनल बनना है और प्रोफेशनल बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना सिंपल छोटी छोटी टेक्निकों को यूज करना है। हमेशा मार्केट में किसी के पास जाते हो समझो कि सर मुझे मिले ये मेरे पुराने मित्र है तो मैं उनको डायरेक्ट पिच नहीं करूंगा, भाई ये जो समझ रहे हो कि भाई इबाइडर में बायो मेरे 7,400 का मैट्रेस है, 2 लाने का 6,000 मिलेगा, ये मिलेगा फलाना ढीलना, ऐसा कुछ नहीं। बात करो कैसा है, क्योंकि बहुत साल बाद मिले, हाय हेलो करो, ठीक है, पुरानी बातें करो नई बातें करो, ठीक है। उसके बाद इनका नंबर मेरे पास नहीं था, मैं क्या करूंगा, तू एक काम कर मैं तुझे मिस कॉल करता हूँ, एक काम कर मुझे है ना मेरे को व्हाट्सएप पर हाई कर, तो ये व्हाट्सएप पर हाई करने के लिए क्या करेंगे, मेरा नंबर सेव करेंगे सिंपल, फिर मैं उनका नंबर सेव करूंगा, राइट। अब मेरा अब ये कर सकते हो, हमेशा एक चीज याद रखना, आपने जिस आप जिस किसी भी इंसान को मिलते हो एक याद रखना, आपका नंबर उसके मोबाइल में सेव करवाना है, ये टेक्निक बहुत काम आती है, आपका मोबाइल आपका नंबर उसके मोबाइल में सेव करना है और आपको भी सेव करना है, ठीक है। ये हुआ ऐसा, मैंने 1 महीने में 50 लोगों का करवाया, तो इजी ना 50 लोगों को कर सकते हैं, मैं प्लान बताने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नंबर सेव करवाने की, ये कर सकते हो। उसके बाद वो स्टेटस रखो, क्या करो, आज 2023 के अंदर आपको सबसे बेस्ट टूल है ना वो स्टेटस है। कितने लोग दूसरे का स्टेटस देखते हैं पता है, क्यों देखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है समझ लो, ये ह्यूमन में उसमें सब लोग एक जैसे ही है। आप लोग देखो मुझे पता है आप लोग खुद भी दूसरे का स्टेटस देखते हो, किसी का बर्थडे है अरे यार कहाँ घूमने गए ऐसा, और रिवर्स करके देखते हैं
वापस, क्योंकि एक सेकंड में चला जाता है वो, तो वापस उसको बैक करके देखते हैं कौन क्या कर रहा है, देखते हैं ना। तो लोगों को इंटरेस्ट है, लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है जानना, ये लोगों का इंटरेस्ट है, तो हमको उसी इंटरेस्ट को टूल बनाना है। आप क्या करो, जब भी ऐसा करते हो, जिसको भी सिंपल है, जिस लोगों को भी नंबर आपने सेव करवाया उसका आप स्टेटस रखना चालू कर दो। स्टेटस में सबसे प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग बीमारों को रखते हैं। अभी बताओ स्टेटस में क्या रखना चाहिए, कभी भी बात प्रोडक्ट का फोटो नहीं रखने का। कितने लोग यही रखते हैं, कितने ने 99% लोग यही रखते हैं, प्रोडक्ट का फोटो कभी भी स्टेटस पर नहीं रखने का। रीजन क्या बताओगे कोई? यस सर, व्हाट्सएप या फेसबुक पर लोग सामान खरीदने की अपील नहीं तो एग्जैक्टली बहुत सही है सर्किल जो तक लेते सोशल मीडिया किसके लिए बनाया? लोगों को कनेक्ट होने के लिए, लेकिन हम क्या करें, सामान बेचने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? देखो स्टेटस पे प्रोडक्ट क्यों नहीं रखने का, उसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि समझ को लो मैंने स्टेटस रखा और तो बुरा साहब ने देखा, सबने देखा, तो इनके मन में क्या रहेगा पता है, अजय कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस कर रहा है। सिंपल है, अजय कोई काम ऐसा कर रहा है जिसमें ये मैट्रेस बेचता है, सही है? Yes. बेचता है, क्या कर बेचता है, और जहां पे सेलिंग आता है लोग भागते हैं। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है उसका पता है, लोग सेलिंग से क्यों भागते हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊं। जब आप बचपन से लेकर अभी तक आपने कोई बड़ी चीज खरीदने गए, या किसी का LIC पॉलिसी का प्लान देखा आपने, या कोई घर खरीदने गए, ठीक है, या कोई कार खरीदने गए, तो वो लोग आपको क्या करते बाद में, फॉलोअप करते, फोन करते, बार बार फोन करते, आप क्या करते हो, आप अवॉइड करते हो, आप फोन काटते हो, गाली बोलते हो, खराब शब्द उसको यूज करते हो, समझ रहे हो, करते हो ना। सिंपल, क्योंकि आपको ऐसा ये लग रहा है कि वो मुझे बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, वो मुझे पॉलिसी बेच रहा है, वो मुझे कार बेच रहा है, वो मुझे कोई रियल एस्टेट प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो बेच रहा है ना, तो ये आपकी मनस्थिति ऐसी बन जाती है, आप उसको अवॉइड करो। सिंपल, तो ऐसा आपको लगता है, और जब भी आपको ऐसा लगेगा ये प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी आपको ऐसा लगा अगर मैं भी ये काम करूंगा तो मुझे मेरे साथ भी लोग ऐसा करेंगे। लोग सेलिंग से इसके लिए भागते हैं कि लोग डरते हैं, अगर मैं सेलिंग करूंगा, सेलिंग प्रोफेशन में आऊंगा ना, तो लोग मुझे अवॉइड करेंगे, और आप नहीं करते। बट एटीट्यूड चेंज करना है, क्या करना है, सेलिंग से सर्विंग में जाना है, सेलिंग से सर्विंग, सर्विंग यानी सेवा। आज मैं किसी को अच्छी हेल्थ दे रहा हूं तो क्या हुआ, सेवा कर रहा हूं। आज मैं किसी की लाइफ में पैसे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं तो क्या हुआ, सेवा। तो कल उठ के जब भी आप मार्केट में पिच करते हो ना, तो नेवर वर्ड यूज सेलिंग, यूज वर्ड सेवा। हम सर्विंग कर रहे, हेल्प कर रहे, मदद कर रहे, ये वर्ड यूज करो। प्रोडक्ट बेचना है नहीं, गलत वर्ड, लोग भागेंगे। इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों को अच्छी हेल्प दे सकते हैं, इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों को अच्छी हेल्थ दिलाने में मदद कर सकते हैं, ये वर्ड यूज करो। पूरी गेम शब्दों की है। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई इंसान मिलता है तो स्टेटस रखना है, स्टेटस में प्रोडक्ट कभी नहीं रखने का। तो क्या रखना है, स्टेटस में क्राउड रखो, सेमिनार। देखो आपके फेसबुक में, आपके जितना भी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट है, किसी का शादी का फंक्शन हुआ समझो, तो आप क्या करते हो, दूल्हा दुल्हन का फोटो देखते हो, फिर देखते हो कि भाई शादी में कौन कौन आया है, स्क्रॉल करके देखते हो, जूम करके देखते हो, उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना, देखते हो ना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम जहां पे भीड़ होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं, जहां पे भी भीड़ होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं। फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट होती है, कभी कोर्ट को देखा जूम करके, हमने वो फोटो ज्यादा देखी, वो पोस्ट ज्यादा देखी जहां पे क्राउड होता है। आप क्या करो, जब भी आपका स्टेटस में क्या रखो, सेमिनार्स के फोटो रखो, जैसे कि ये सेमिनार हुआ उसको फोटो आपको मेरे को स्टेटस रखो,
फिर अचीवमेंट टेस्टिमोनियल जो अरे इनकम टेस्टिमोनियल ठीक है उसके फोटो रखो, ये सारी चीजें रखो, वीडियो वाले स्टेटस रखो, ये सब करोगे ना तो लोग इंस्पायर हो गए। लोग क्या करते हैं समझो कि मैं क्या करता हूँ, मेरे को जब भी मैं टूर होता हूँ ना समझो कि हरियाणा हुआ हनुमान राजस्थान तो रखता हूँ, लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहा है आज इतना घूम रहा है क्या कर रहा है। आपको पता है यूट्यूब के ऊपर वीलॉग कंटेंट ज्यादा चलता है, वीलॉग पता है किसको, यानी कि वो होता है वो कैमरा लेके घूमता है मैं आज ये कर रहा हूँ यहाँ पे आया हूँ ये खा रहा हूँ ये पी रहा हूँ, उसको वीलॉग कंटेंट वो ज्यादा वायरल होते हैं। क्यों पता है लोगों को बहुत इंटरेस्ट है जानना तुम्हारी लाइफ पे क्या हो रहा है। जिस दिन आपने क्राउड सेमिनार्स के फोटो इवेंट्स के फोटो वीडियोस खुद के बोले हुए वीडियो आप रखना चालू करोगे ना लोग पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है समझो। प्रोडक्ट रखोगे ना तो बहुत कम लोग पूछेंगे क्या कर रहा है। टेस्टिमोनियल कभी रखना नहीं चाहिए, लोग गलत है टेस्टिमोनियल रखते हैं उठना ये लोग ऐसा समझेंगे बेचना है नहीं जाएंगे। आपको प्रोफेशनल बनना है आपको क्राउड को फोटो रखना है, इजी है जो yes. yes. तो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत इजी टिप्स आप कर ही रहे थे बट रॉन्ग वे से कर रहे थे। आप ये करो आपको जल्दी रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। खाली क्राउड के सेमिनार्स के फोटो रखो, टेस्टिमोनियल रखो, टेस्टिमोनियल कौन सा इनकम टेस्टिमोनियल, वीडियो खुद के वीडियो कहीं जा रहे हो सेमिनार में जा रहे हो उसके वीडियो रखो, लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या कर रहे हो हमको भी जानना है। पर जब भी आपको कोई पूछता है भाई आप क्या कर रहे हो तो आप क्या करते हो बताए, कोई भी आपको पूछता है क्या कर रहे हो तो पूरा ई वाटो दे देते हो ऐसा है। उसमें पहला वीडियो घुटने का दर्द ठीक हो गया, आंखें की रोशनी आ गई, डायबिटीज ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गई है, वो थोड़ी ना मोटिवेट करेगा, वो मोटिवेट नहीं करेगा। उसको सिंपल पूछो कुछ अगर आपका वो नेटिव है बड़ौदा यानी समझो नजदीक का है उसको डायरेक्टली फोन पर बात करो भाई ऐसा है अभी तो तेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता आधे कल मिलेंगे उसका अपॉइंटमेंट ले तो सारी चीजें बताओ भेज दोगे ना तो लोग बहुत होशियार है गूगल कर देंगे लोग तो आप गूगल कर लेगा उसमें से 90% इन्फॉर्मेशन गूगल से मिल गई तो तुमको फोन क्यों करेगा समझ रहे। तो ऐसा कोई पूछता है क्या कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट लेके उसके साथ बैठना है और प्लान वॉट एवर जो भी बताना है सिंपल इजी है ये कर सकते हो yes. दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या पता है कि अपॉर्चुनिटी पर फोकस करवाना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है सॉल्यूशन देना है, उसका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर पेन पॉइंट जानना है उसका सॉल्यूशन उसको देना है और एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट समझते हो ना yes. ब्रॉडकास्ट एक टूल आता है व्हाट्सएप पर, उस ब्रॉडकास्ट के अंदर जितने भी लोगों को आपने प्लान बताया डिसीजन नहीं लिया भले प्रोडक्ट बताया हो या बिजनेस प्लान में जो भी प्लान बताया हो उसको अंदर ब्रॉडकास्ट में उसका नाम ऐड करना है और रोज एक चीज भेजनी है। और हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल है ना आने वाले 4 साल तक आप रोज एक एक भी भेजोगे ना तो भी खत्म नहीं होंगे इतने टेस्टिमोनियल अपने पास है, रोज एक एक टेस्टिमोनियल भेजना है राइट। दूसरा मैं अभी एक आइडिया याद आया, किसी को रिजल्ट दिलवाना हो ना उसका बेस्ट टूल बताता हूं 100% रिजल्ट आएगा। समझ के चलो सर को मैंने एक्स प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट दिया तो मैं क्या करूंगा उसको उनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव करवा दूंगा और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे या उसके सेम डे से रोज एक एक वीडियो भेजूंगा क्योंकि ज्यादातर बीमारियां साइकोसोमेट्रिक होती है। देखो यहां पे ट्रस्ट नहीं आएगा ना तो दुनिया की कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। जब मैं उनको रोज एक एक वीडियो भेजूंगा ना तो वीडियो ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट मिला है तो रोज देखेंगे ना रोज देखेंगे उनको ये लगेगा अरे वाह इतने सारे रिजल्ट इतने लोग अच्छे हो रहे हैं मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। और जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना मैं भी अच्छा हो जाऊंगा इस दिन दवा यहाँ पे काम कर लेगी और उस दिन रिजल्ट का रेशो तुम्हारा बढ़ जाएगा। हम क्या करते दे दिया फिर पूछते भी नहीं समझ लो। तो ये सिस्टम यूज करो उसमें 100% रिजल्ट आएगा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो ट्रायल एंड टेस्टेड है यानी वो बातें वो चीजें और टेक्निक मैंने फॉलो की है और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है और जिन लोगों को मैंने बताया उनको रिजल्ट मिल रहा है। मैंने बूट कैंप किया था कितने लोगों ने अटेंड किया था 5 दिन का बूट कैंप किया था ठीक है
रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, क्योंकि वो ट्रायल एंड टेस्टेड था, वो मैंने खुद किया था, तब जाके वो रिजल्ट मिला था, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वंस ईयर की जर्नी में ये सारी टेक्निक मैंने यूज की और उसको फॉलो किया, उसका रिजल्ट आया। अगर आप भी सच में चाहते हो ये चीज करना तो आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई बोलता है सर सीक्रेट बताओ, कोई सीक्रेट एक ही सीक्रेट है, रोज डेमो करो, यही सीक्रेट और कोई सीक्रेट नहीं। रोज प्लान करो, रोज डेमो करो, रोज प्लान करो, रोज डेमो करो। और दूसरी बात, जितने लोग जिनके पास टीम है, जिनकी टीम है, कोई किसी की 10 है, किसी की 100 है, किसी की 500 की है, उसका एक मैं आपको बताता हूँ। कभी ये आप मन में ये मत ठान लो कि मेरा टीम है ना तो मेरे टीम काम करो मुझे पैसा आएगा, ऐसे ये एटीट्यूड गलत है, ये थिंकिंग गलत है। कभी भी आप जीरो हो सकते हो। सिंपल है, मैं एक चीज को मानता हूं, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग। ये है ना लाइफ टाइम प्रोसेस है, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग। अगर ये आप सीख गए ना तो आपका बिजनेस कभी जीरो नहीं होगा और आपका डेली क्लोजिंग कभी अटकेगा नहीं। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे होल्डिंग सिस्टम करते हैं। चलो मैं ये नहीं बोलूंगा ये मत करो, क्योंकि जो ना बोलते वही लोग करते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो बोलने जैसा वो स्वभाव में आ गया है। लेकिन उसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अगर समझ के चलो आप बिजनेस होल्ड करके भी चलते हो ना तो आप महीने का 50-60 हजार लाख रुपए कमा लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट रोज का 50 हजार के लाख रुपए कमाना है ना तो उसको आपको होल्डिंग ही नेटवर्क पर फोकस करना पड़ेगा। पहले नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप रोज के ऊपर आओगे। आप डे वन से ऐसा करोगे भाई आज मैं बिजनेस चालू किया और कल से मुझे 6000 आना चालू होगा तो नहीं होगा, मेजोरिटी केस में नहीं होगा। पर आप ये सोच के चलते हो कि पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में 10 लोगों का ग्रुप बना दूं और राइट में 10 लोगों का ग्रुप बनाऊ, जब तक ये नहीं बीता तब तक मैं खाली अवेयरनेस बोनस लूंगा। क्या करना है कि लेफ्ट में 10, राइट में 10, 10 लोग, 10 नए लोग अगर ये बनाता हूं ना उसके बाद तुम्हारा रोज क्लोजिंग होगा। कैसे? सेल्स का एक रूल्स है, रोज बंदा सेल नहीं कर सकता, रोज कोई भी बंदा प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। मेरा कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना, बट रोज मैट्रेस में बेच नहीं सकता। पर मैंने क्या किया, ये सिस्टम मैंने बना दिया, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, सिंपल। मुझे पता है 10 में से कोई तो सेल देगा, 10 में से कोई तो क्लोजिंग देगा ना आपको, क्योंकि 10 लोगों का टाइम अलग है, कॉन्टेक्ट अलग है, एनर्जी अलग है, पहचान अलग है, सबका दिखाने का तरीका अलग है, सबकी रेपुटेशन अलग है। तो 10 में से कोई तो सेल देगा, जिस 10 में से कोई एक सेल देगा उसका मतलब क्या होगा, आपका रोज क्लोजिंग आएगा। बड़े 10-10 का ग्रुप बनाने के लिए हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 या हो सकता है 6, और जिस दिन हो गया ना उस दिन रोज पैसा आएगा। हमें कंपनी कितनी बार पैसा देती है? 2 बार। महीने में कितनी बार देती है? 60 बार देती है। हम कितनी बार लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? कोई 10 बार लेता है, कोई 15 बार लेता है, कोई 20 बार। 20 बार तो अभी ऊपर आया ही नहीं है। आ गए 20 बार? 20 बार तो ऊपर कोई आया नहीं है। यानी एवरेज 15 है, एवरेज 15 बार लेते हैं, पर 60 बार कंपनी दे रही है ना। ये सिस्टम फॉलो करो, आप 60 बार ही, आप मिनिमम 50 बार तो लोगे। 10-10 का ग्रुप बनाओ, नेटवर्क 10-10 लेफ्ट में 10, राइट में 10। जो भी टीम में आता है उसको ये बताओ, हम क्या करते, 150 पीवी का बताया, उसके बाद अब तू 2 ला तो 6000 मिलेगा। तो जब तक वो 2 नहीं लाए तब तक वो डालेगा नहीं, यही बोलते ना हम लोग। आप पहले किसी को मिले, उसने ज्वाइनिंग किया, आप बोलते हो अगर तेरे को पैसा कमाना है तो 150 पीवी करना पड़ेगा, वो कुछ भी करके या तो खुद की डाल देगा या तो किसी पेशेंट को बेच देगा, सिंपल। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, तो एक काम कर, दो अब दो आईडी आएगी ना, यानी एक पैर बनेगा ना तो 6000 मिलेगा, यही हम बोलते हैं। तो मेंटली क्या करता है, जब तक 2 नहीं बने तब तक वो क्लोजिंग नहीं करेगा, और यही चीज रिपीट होती जाएगी, रिपीट। सब फिर वही सिस्टम, होल्डिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। लोगों को ये बताओ, 150 भी हो गया, 500 खाते में आया भाई, सिंपल उसको 2 ऑप्शन दो। अगर मुझे बताओ आपको रोज का 6000 कमाना है या 10 दिन में एक बार 6000 कमाना है, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, ऑप्शन दो।
सर रोज का 6000 कमाना है, 10 दिन में एक बार 6000 कमाना है, तो बोलेगा सर रोज का 6000 कमाना है। सर रोज का 6000 कमाने के लिए एक हमारा प्रूवन सिस्टम है, वो सिस्टम क्या है, आपको लेफ्ट में 10 लोगों का ग्रुप बनाना है, राइट में 10 लोगों का ग्रुप बनाना है। ये ग्रुप बनाने के लिए हो सकता है एक महीना लगे, हो सकता है दो महीने, हो सकता है छह महीना। ये करोगे ना उसके बाद रोज आपका 6000 आएगा। क्यों आएगा? तो सर 10 लोग अपने को 6000 कमाने के लिए कितना पीवी चाहिए? 100 पीवी चाहिए। एक प्रोडक्ट सेलिंग 11900 का, यानी कि डबल बेड, और एक प्रोडक्ट सेलिंग डबल बेड, सिंपल। तो सर रूल्स ये बोलता है सेल्स का, रोज एक बंदा सेल नहीं कर सकता, पर 10 में से कोई तो एक सेल कर सकता है। तो उससे होगा क्या पता है? उसको ये पता चल गया, हाँ मुझे रोज का 6000 कमाना है तो ये इस हिसाब से करना पड़ेगा। एक सिंपल से लोग वही करेंगे जो आप बोलोगे और जो आप करोगे, सिंपल। कभी कभी क्या होता है, ये फिर पहले सिस्टम चालू हो जाता है होल्डिंग का, फिर ग्रुप पूरा ऐसा सिस्टम हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पहले नेटवर्क पर फोकस किया, उसके बाद आज ऑटो क्लोजिंग आता है। भूल जाओ ना फैमिली बोनस जैसा कोई सिस्टम है, इसके पहले कभी लिया था क्या फैमिली बोनस? नहीं लिया था ना। तो अवेयरनेस बोनस इसके पहले लिया था ना, तो भूल जाओ दो तीन महीने के लिए कोई फैमिली बोनस भी है। सिर्फ देखो आज दूसरा प्रैक्टिकल, मुझे बताओ, चलो होल्ड करके करके किसी को 3 या 4 महीना भी हो गया, क्या उखाड़ लिया? आया जितना पैसा चाहिए उतना, नहीं आया ना। ये सिस्टम प्रूवन सिस्टम है, करके तो देखो नुकसान क्या है तुम्हारा? कुछ भी नुकसान नहीं है, करने में क्या प्रॉब्लम है? खाली 3 महीना, अगर बहुत प्रोफेशनल आपके कॉन्टेक्ट अच्छे तो मुझे पता ये है ना, खाली 20 दिन या महीने में हो सकता है। अगर आप एवरेज हो तो 10 दिन में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, खाली लेफ्ट में 10 राइट में 10, फिर देखो मजा कैसा आएगा। दूसरा, होम मेडिंग सबसे बड़ा टूल है। अगर इस ग्रुप में आपको जल्दी बढ़ना है ना इस सिस्टम में, तो होम मेडिंग करना है। महाराष्ट्र में बारामती करके एरिया है, नाम सुना है बारामती? वाई के शिंदे सर करके है, वो मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड है और ई बायोडम करते हैं, और उन्होंने 1,75,00,000 रूपये कमाया। कितना? लेकिन उसको इवाइडर में कोई पहचानता नहीं है, उसका बुक में नाम भी नहीं है। 1,75,00,000 शिंदे सर उसका नाम है। मैं उनको पौने 2 करोड़, 1,75,00,000 कैसे कमाया? उसकी 3 अपलाइन छोड़ के चली गई, उनकी ऊपर से 3 लोग थे ना वो छोड़ के चले गए, कुछ क्रिप्टो विप्टो में चले गए, बराबर। वो हो गया अनाथ, कभी सेमिनार नहीं किया उसने, कभी भी सेमिनार नहीं किया, कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोचो 2 करोड़ रुपए कमाए, कभी महीने साल में एक बार हेड ऑफिस आता है, और कभी टीम को लेके सर क्या किया, व्हाट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस? उन्होंने क्या बोला, सर मैं खाली होम मीटिंग करता हूँ, खाली होम मीटिंग और कुछ नहीं। और होम मीटिंग है ना बहुत फास्ट रस्ते पे है, और होम मीटिंग करने की टेक्निक है।